TCL टीवी की LEDs चेंज कर रहा हूँ मैं, तो ख़राब LEDs हमने निकाली है और ये नई LED खरीदी है। ये ख़राब ओरिजिनल LED है, ये इसका बारकोड भी बना हुआ है TCL का, ठीक है, ये बारकोड है। और ये नई LEDs परचेज की है मार्केट से, ये भी लोकल है, तो ये अभी इसकी मैंने फिटिंग कर दी है, तो आगे मैं इसकी फिटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इसकी अब पैकिंग होगी, इसकी पैकिंग बहुत सेंसिटिव होती है और बड़ी साफ हाथ चाहिए होता है इसके लिए, बहुत क्लीनिंग चाहिए होती है, क्योंकि ज़रा सा भी डस्ट रहेगा तो आपके जो पैनल होता है उसमें ना शेड आएगा। तो अभी ये पेपर शीट होती है जो कि इसके ऊपर आती है, मैंने इसकी ये क्लिप्स लगा दी हैं जो, ठीक है। अब ये शीट मैंने इसके ऊपर रखी है, अब इसकी फिटिंग होगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्लिप्स होते हैं जो कि इसके ऊपर जब पैनल बैठेगा उसको ये सपोर्ट देंगे। तो ये पेपर शीट लग गई है। अब इसको हम एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेंगे ताकि इस पे कोई डस्ट ना हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेयर होती है, थ्री लेयर्स होती है शीट की, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो ये तीन लेयर हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर लेयर रख के, और फिर ये इसको हम इससे इस जो रबड़ की स्टिक्स होती है इसके साथ लॉक करेंगे ताकि ये फिट इस पे बैठ जाए। फिर उसके ऊपर आएगा पैनल। तो अभी हम ये लेयर रखते हैं, फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले ये थिन लेयर आएंगी, ये थिन लेयर होती है, मगर इस पे ये देखे ये थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं, दाग है, ठीक है। इसको साफ़ करना पड़ता है क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं होंगे तो जब आपका टीवी चलेगा तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास है ना, गौर से अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट मारें तो टीवी के पैनल पे हमारे ब्लैक शेड्स आ रहे होते हैं, वो इसी वजह से आ रहे होते हैं। इसके ऊपर जो थ्री लेयर्स होती है उनमें वो साफ़ नहीं होते, इसकी वजह से शेड आ रहे होते हैं। तो ये हम ये जो भी दाग है हम साफ़ करके, फिर सबसे पहले ये लेयर आएंगी, फिर इसके बाद ये लाइट लेयर होती है जो कि कवर जैसी होती है, ये दो लेयर होती है ये आएंगी। तो ये जो हार्ड लेयर है, सबसे पहले ये हार्ड लेयर पहले आएंगी, फिर वो जो लाइट लेयर है दो, वो दो आएंगी। ये तीनों लेयर इसके ऊपर रख दी गई है, ये तीन लेयर इसके ऊपर रख दी है। अब हम इस पे ये रबड़ की जो क्लिप्स है ये हम इस पे इसको फिट करेंगे, और ताकि ये बिल्कुल ये शीट जो है इस पे हमने लगाई है ये बिल्कुल इस पे फिट हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर पैनल रखेंगे। ये क्लिप्स हमने लगा दी हैं, ये रबड़ की पट्टी हमने लगा दी है। तो एक्चुअली एलईडी हम चेंज क्यों करते हैं, ये एलईडीज हम चेंज क्यों करते हैं, अक्सर बेशतर हमारा टीवी है ना चल रहा होता है और हमारे पैनल पे अगर आप कोई भी टॉर्च मार के देखेंगे तो आपके पैनल पे वीडियोस भी आ रही होती है, बट उसमें लाइट नहीं आ रही होती, अंधेरा होता है, मगर उस पर वीडियो चल रही होती है। अगर आप उस पर मोबाइल की टॉर्च या कोई भी टॉर्च मार के देखेंगे तो उस पर पैनल पे आपके पास डिस्प्ले आ रहा होगा, मगर उसमें लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हमारी जो LEDs होती है ये ख़राब हो जाती है, ये LED की पट्टियाँ होती है, ठीक है। इस पे 8 या 10 LEDs लगी हुई होती है जो कि ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये LEDs होती हैं, ये पट्टी होती है, तो इसमें से कोई एक LED ख़राब हो जाती है या इसकी लाइफ, LEDs की लाइफ वैसे भी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस पे ये अंधेरा हो जाता है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता। तो फिर इसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि फिर हमको ये नई LEDs लगानी पड़ती है, और ये LEDs इजीली कहीं भी मार्केट से, आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से आप परचेज़ कर लो, आपको मिल जाती है। ये TCL का टीवी है, मोस्टली जो टीवी होते हैं कोई भी कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का हो, सब में ऐसी ही पट्टियाँ होती हैं, मोस्टली ऐसी इतनी बड़ी पट्टियाँ होती है, ठीक है। और सबका तकरीबन तकरीबन
चेंज करने का तरीका भी ऐसे होता है, आपको फ्रेम खोलना होता है, फ्रेम के बाद पैनल निकालना होता है, पैनल के बाद शीट्स होती है, शीट्स निकालनी होती है, इसके नीचे आपके पास एलईडी लगी होती है, वो आप एलईडी चेंज कर लें। तो ये पूरा तरीका होता है। तो अभी हमने ये इसको लॉक कर दिया है, अब इसके ऊपर हम पैनल रखेंगे और इसके पीछे हम फिर फ्रेम लगाएंगे। ये फ्रेम है पूरा, ये फ्रेम हम लगा के फिर हम इसकी पूरी हम फिर फिटिंग करेंगे और फिर हम इसको चला के देखेंगे। तो अभी मैं इसको पैनल रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पैनल रखने के बाद इसकी पर फिटिंग करते हैं हम। पैनल हमने रख दिया है, मगर एक चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि इसके नीचे जो हमने शीट्स रखी हैं उसमें डस्ट ना हो, वो गंदी ना हो, डस्ट ना हो। डस्ट होगा तो एलसीडी पे थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आता है, वो दिखती है, वो जैसे कालाहट और जो डस्ट होता है वो आपके पैनल पे जब आप गौर से देखेंगे, जब वाइट इमेज जब आ रही होती है और पीछे लाइट जल रही होती है तो वो आपको दिखती है। अब ये फ्रेम है TCL का, ये TCL TV का फ्रेम है जो कि हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको लॉक करेंगे। ये इसके नक्के होते हैं, तो बस इसको हम जस्ट रख के इसकी जगह पे रख के और हम इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ पे रखते हैं, पहले इसको सेट करते हैं इसकी जगह पे, और ये देखें, ये मैं इसको दबाऊंगा, ये लॉक होता जाएगा, ये देखें, ये देखें, ये लॉक हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेम मैं लॉक करके और फिर इसको पलट के फिर मैं इसके जो कनेक्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कनेक्शन कैसे फाइनलाइज़ करने, और फिर इसको कंप्लीट पैक करेंगे और फिर उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। ये हमने पैनल लगा के टीवी को पलट लिया है, ये पट्टी अभी इसमें अटैच होंगी, इसके क्लिप्स हैं उसमें लगेंगी, और ये रिबन होती है, ये मेन रिबन है जो कि आपके ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होके आपके पैनल पे डिस्प्ले आता है, ये वो रिबन है। अगर ये सही नहीं लगी हो तो आपका डिस्प्ले नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया है, ठीक है, इसको बस ये लॉक करना है, ये मैंने फिट कर दिया। अब ये इसको मैं ये मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गई, ठीक है। अब इसकी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये लगेंगी, इसका क्लिप लगेगा, ठीक है, और बाकी ये पट्टी हम फिट करते हैं सही। ये पट्टी, ये स्टिकर जो ओरिजिनल निकले होते हैं इसका ख्याल रखना है, ये कहीं बीच में ना आए, तो इसको प्रॉपर इसकी जो प्लेसमेंट है वो इसकी हो जाएंगी, ये गोल्डन, ये ऐसा है, यहाँ पे ये स्टिकर लगे होते थे, तो इसको इसकी जगह पे हम लगा देंगे, ठीक है। ये क्लिप्स में हम इसको बिठाएंगे और ये क्लिप ये रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये रहा एक क्लिप ये रहा, ये सारा बैठ गया। अब ये दो पट्टियाँ इस रिबन से कनेक्टेड है, तो ये रिबन हम चाहे निकाल सकते हैं मगर मैंने निकाली नहीं, ठीक है। तो ये एज इट इज़ यहीं पे लगी रहेंगी, ये स्टिकर है जो हम इसको निकाल के वापस की जगह पे लगाएंगे ताकि पट्टी हिले नहीं, और आई थिंक सब कुछ हो गया, ठीक है, ये पट्टी अपनी जगह पे लग गई। अब हम ये कॉर्ड लगाएंगे, ठीक है, ये कॉर्ड यहाँ पे लग गई सही। ये कॉर्ड लग गई, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका एक फ्रेम आएगा जिसमें स्पीकर लगे होते हैं और उसके क्लिप्स हैं जो यहाँ पे लगेंगे, तो वो मैं लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो। ये जो ये पीछे का हिस्सा है लास्ट जो ये इस पर लगेगा, और इस पर जो स्पीकर के और इसके जो ये जो कंट्रोल होता है, ये पावर बटन और इसका स्पीकर के जो क्लिप्स होते हैं वो इस पे लगेंगे, ये सारा कंट्रोल जो होता है, और ये स्पीकर है, ठीक
ठीक है, ये सारे क्लिप इस पे लगेंगे, तो ये इसके हिसाब से लग जाएंगे सारे। लग गए। अब ये बस ये फ्रेम अपनी जगह बैठेगा, इसके स्क्रू लगेंगे, फिर वी आर गुड टू गो। हम फिर इस टीवी को ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये टीवी पे इस पैनल पे आया था अंधेरा, मगर इस पे ये वीडियो आ रहा होता है, मगर एलईडी लाइट की वजह से अंधेरा आ रहा होता है। अब एलईडी लाइट हमने लगा दिए तो बैकग्राउंड पे रोशनी चलती है, जो कि हमने शीटें लगाई जिससे ये लाइट और ज़्यादा ब्राइट होती है और ज़्यादा तेज़ होती है, और पैनल पे आके हमारे पास ये लाइट का डिस्प्ले आता है। तो ये था सारा। अगर आपकी टीवी की एलईडी लाइट ख़राब हो जाए तो इस तरह ये चेंज होती है।